का जन्म मार्च महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 6 और इसके स्वामी ग्रह हैं शुक्रदेव। वहीं मार्च के महीने को मीन राशि रिप्रेजेंट करती है जिस पर गुरु और केतु का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर गुरु अपनी क्रूर दृष्टि से देखते हैं। क्रूर दृष्टि से तात्पर्य है मनुष्य में मानसिक गुणों का अधिक विकास होना। ऐसे व्यक्ति दिमागी रूप से बहुत तेज होंगे, दिमाग से बहुत तेज होंगे, अपने सभी कार्य अपनी बुद्धि से चतुराई से पूर्ण करेंगे। शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर रहेंगे। अतः आप लोगों पर शुक्र, गुरु और केतु का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। शुक्र जो कि भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं, शुक्र को भोग विलास, रोमांस, कामुकता, प्रेम विवाह, विपरीत लिंगी आकर्षण, प्रजनन क्षमता, स्त्रियोचित गुण, खुशी, सुख समृद्धि, धन संपन्नता, मोटर बंगला, जुनून, अभिनय, कलात्मक प्रतिभा, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्ति कला इत्यादि से जोड़कर देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर गुरु बृहस्पति जो कि हमारे ज्ञान का प्रतीक है, संतान और विद्या का कारक है। गुरु हमारी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं, हमारी हृदय की शक्ति का द्योतक है। व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करके उन्हें दार्शनिक बनाते हैं। मानव जाति को सही रास्ता दिखाने का गुरु कार्य करते हैं। सही और गलत रास्ते का ज्ञान कराते हुए आपके अंतर मन को जागृत करते हैं। अध्यात्म और चिंतन के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु आपको यहाँ प्रेरित करते हैं। केतु को अध्यात्म, वैराग्य, तंत्र और मोक्ष का कारक माना गया है। ऐसे व्यक्ति शांतिपूर्वक कार्य करने में विश्वास रखते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, एक बार जो भी मन में ठान लेते हैं पूरा करके ही दम लेते हैं। इन लोगों का अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होता है। ये लोग अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते हैं अपितु लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वयं निकल पड़ते हैं। पूर्ण रूप से अवसरवादी इन्हें कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, अपने हर कार्य को चतुराई से पूरा करते हैं। किसी को कष्ट पहुंचाने की बात ये सोच नहीं सकते, अपने काम के प्रति पूर्णतया निष्ठावान होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अधिक आशावादी होते हैं, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए अपने आत्मविश्वास को कमजोर बिल्कुल भी नहीं पड़ने देते हैं। गुरु अगर यहाँ पर निर्बल हो जाता है तो ही इनमें आत्मविश्वास की कमी नजर आएगी, धैर्य की कमी नजर आएगी। धन के मामले में भी ये भाग्यशाली साबित होते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन्हें अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना पड़ेगा। नित्य नई योजनाएं इनके मस्तिष्क में चलती भी रहती हैं। विशाल हृदय वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं, दूसरों को प्रभावित करने का गुण इनमें है। सौंदर्य से इन्हें गहरा लगाव होता है, कलात्मक वस्तुओं से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इनके अच्छे और ऊंचे पदों पर आसीन लोगों से अच्छे संबंध होते हैं और उनमें ये लोकप्रिय भी होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, प्रसन्नचित रहते हैं लोग, किसी की चापलूसी मगर नहीं कर सकते हैं। बातचीत की कला में धनी है जिस कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में ये सफल रहते हैं। इनके यही कला इन्हें सफलता के काफी करीब ले जाती है। रहने का स्थान इनका बहुत ही उत्तम होता है, ऊपरी दिखावा खूब करते हैं। अपनी इसी तड़क भड़क को बनाए रखने के लिए इनके खर्चे अनियंत्रित होते चले जाते हैं जो इनके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग प्रेम के मामले में भी अति विनम्र होते हैं, प्रेम के मामले में ये काफी उदार साबित होते हैं। अपने प्रेम के लिए इन्हें किसी प्रकार का बलिदान देना पड़े तो हिचकिचाते भी नहीं है। इनमें अद्भुत सहन शक्ति होती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। किसी से मित्रता करते हैं तो पूरे दिल से निभाते हैं और किसी के शत्रु बन जाए तो शत्रुता भी पूरे दिल से निभाते हैं। पीठ पीछे धोखा नहीं देते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो सामने से वार करेंगे। याददाश्त इनकी काफी अच्छी होती है। सौंदर्य, कला और संगीत से ये लोग गहरा प्रेम करते हैं। हर क्षेत्र में इनके कलात्मकता झलकती है, कला के क्षेत्र में भी ये भारी सफलता हासिल करते हैं। अपनी प्रतिभा का ये पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। ऐशो आराम की जिंदगी इन्हें रास आती है, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। अच्छे मेहमान नवाज साबित होते हैं, अच्छे भोजन में रुचि रखते हैं, कम साधनों में अच्छी व्यवस्था बनाए रखते हैं। इनके रहन सहन को देखकर लोग इन्हें धनवान ही समझते हैं। अपने आसपास के माहौल को अपने बर्ताव से खुशनुमा भी बनाए रखते हैं, लोग इनकी कंपनी पसंद भी करते हैं। इसी कारणवश विपरीत लिंगी भी इनकी ओर आकर्षित रहते हैं। मूलांक 6 वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मूलांक 6 पर बनी मेरी वीडियो अवश्य देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 6, 15, 24 मार्च मेजर मेलों के बारे में और भी अधिक गहराई से, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। शुक्र और गुरु बृहस्पति दोनों ही गुरु हैं। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं तो शुक्र देव राक्षसों के गुरु हैं। बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं तो शुक्र स्त्री ग्रह हैं। गुरु बृहस्पति को विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है तो शुक्र को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अतः ऐसे व्यक्तियों में गजब की चुंबकीय शक्ति होती है। विपरीत लिंगी इनकी ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। दोनों ही शुभ और सौम्य ग्रह हैं। कुंडली में शुक्र और गुरु अगर मजबूत स्थिति में होंगे तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे, ऊंची उड़ान भरने वाले होंगे। इनकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, चाहे उन्होंने किसी भी परिवार में जन्म क्यों ना लिया हो। ऐसे व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी काफी अच्छे से निभाते हैं। इन्हें पारिवारिक सुख भी मिलता है, धन भी अच्छा कमाते हैं। ये लोग प्रतिष्ठित जगह पर काम करते हैं और बड़ी मात्रा में धन कमाते हैं। एक और गुरु जहां शुभता प्रदान करते हैं वहीं शुक्र इन्हें समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ अलग हटकर नया करते हैं। शुक्र जहां सांसारिक भोग विलास भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है तो दूसरी ओर बृहस्पति सांसारिक और ईश्वरीय दोनों ही प्रकार के सुख देने में सक्षम है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति हर प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाएं भी भोगता है और आध्यात्म के क्षेत्र से भी जुड़ा होता है। ऐसे व्यक्तियों में काम वासना भी बहुत अधिक होती है, लेकिन प्रायः ये देखा गया है कि ऐसे जातक परेशान भी इसी बात से रहते हैं कि इन्हें सांसारिक भोगों की ओर अधिक जाना चाहिए या पारलौकिक सुख को पाने का प्रयास करना चाहिए। कुंडली में अगर गुरु और शुक्र का संबंध 9वें और 12वें घर से शुभ प्रभाव में बन जाए तब लोक परलोक इनके दोनों ही सुधर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की किसी एक देव में विशेष रूप से आस्था रहती है। इसके विपरीत अगर कुंडली में शुक्र और गुरु खराब स्थिति में हो जाए तो जातक के वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आती हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह विवाह के कारक हैं। स्त्रियों के लिए गुरु तो पुरुषों के लिए शुक्र को देखा जाता है। और अगर शुक्र या गुरु का संबंध पाप ग्रहों से बन जाए तब वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाती है। ऐसे में आप रिश्तों को संभाल नहीं पाएंगे। आप अपनी तरफ से कितना भी भरपूर कोशिश कर लेंगे, कहीं ना कहीं चूक अवश्य रह जाएगी। ऐसे में इन लोगों को संतान बाधा भी परेशान कर सकती है। कई बार देखने में आया है कि घर की महिलाओं के साथ ये लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों तक की बात नहीं सुनते हैं, अपनी किसी भी बात को ये स्पष्ट भी नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप जीवन के हर क्षेत्र में इनके रिश्ते इनके संबंध खराब होने लगते हैं। अब वो चाहे कार्य क्षेत्र हो या फिर घर परिवार, दोस्त या रिश्तेदार, इनके द्वारा लिया गया कोई गलत निर्णय का खामियाजा भी इन्हें बहुत लंबे समय तक भोगना पड़ सकता है। वैसे तो आप लोगों की मूलांक 3, 6 और 9 वालों के साथ अच्छी दोस्ती और कंपेटिबिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन अगर 21 फरवरी से 27 मार्च, 21 जून से 27 जुलाई, 21 अप्रैल से 27 मई और 21 अगस्त से 27 नवंबर के मध्य जन्म लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपेटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जाएगी, और अगर इसी समय के बीच में आपके साथी आपके जीवन साथी का मूलांक 3, 6 या फिर 9 पड़ता है तो फिर सोने पे सुहागा। अगर आप इसी समय के बीच में 6, 15 या 24 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। 6, 15, 24 मार्च में जन्मी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं, माइकल एंजिलो, एलिजाबेथ बाउनिंग, राज नारायण, अनिल विज, साहिब सिंह वर्मा, अंडरटेकर, सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह, विनायक राउत, पीटर मैनिंग, जानवी कपूर, अंकित तिवारी, अभय देओल, हनी सिंह, आलिया भट्ट, इमरान हाशमी, इला अरुणा। तो कितना कनेक्ट हो पाई है मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।